सो एंट्री वाउंड नॉर्मली शेप ऑफ एंट्री वाउंड, साइज एंड डायमेंशन ऑफ एंट्री वाउंड, मार्जिन, एंगल, एजेस, ये सब चीज़ें और डिस्क्रिप्शन ऑफ इधर द क्लोथ इनसाइड और क्लोथ आउटसाइड, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि एंट्री वाउंड इज जर्नली बिगर एज आई टोल्ड यू द वाउंड ऑफ द एग्जिट. द शेप में वेरी मच रिस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स यूज, ठीक है, जो भी यूज कर रहे हैं, जैसे स्लिट लाइक और वाइड स्पिंडल शेप नॉर्मली नजर आती है इन केस ऑफ द दिस वन. अ नाइफ विथ वन एज, एक उसका एज अगर ब्लंट है थोड़ा सा और एक एज उसका प्रॉपर शार्प है, तो आपको वेज शेप इंजरी नजर, सर्जिकल इंजरी. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ये एग्जाम्स में पूछते हैं और आपको याद भी होना चाहिए. ये सर जावेद कुकर ने लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा पूछा था कि ओके वेज शेप इंजरी है कौन सा, तो एवरी वन इज अप टू शार्प एज वेपन. उससे आगे कोई नहीं बताता था कि भाई शार्प एज में भी आपसे पूछ रहे हैं कि क्योंकि शार्प एज से तो ढेरों चीज़ें हो सकती हैं ना, उससे तो किसी भी तरह का है, ये सब ब्रॉडर टर्म है. तो इसमें आपको एग्जैक्ट जो बताना था वो आपने ये बताना था कि कौन सा नाइफ डबल एज है, कौन सा सिंगल एज है और उन दोनों में क्या डिफरेंट चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं. एक में वेज आ रहा है, एक में आपके पास एलिप्टिकल इंजरीज आ रही हैं. राउंडेड पॉइंटेड वेपन है तो ऑब्वियसली वो सर्कुलर इंजरीज प्रोड्यूस करेगा, एंड पॉइंटेड स्क्वेयर है तो क्रूशिएट प्रोड्यूस करेगा. रिस्पॉन्डिंग आप अपने दिमाग में भी सोचो तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू दैट ये प्रोड्यूस कर रहे हैं. वेरिएशन इन द शेप क्यों होगी, ऑल हमेशा ये थर्स्ट की फोर्सेज होंगी, ठीक है. समटाइम क्या होता है, कुछ लोग, हर बंदे का टेक्निक डिफरेंट है. सम पीपल आर जस्ट ऐसे थ्रशिंग, सम आर लाइक ऐसे थ्रशिंग, ठीक है. सम आर डूइंग टाइम एंड अगेन, दो दो तीन तीन दफ़ा भी ऐसा, वो एंगर और यू नो के इंसान से बड़ा बीस्ट तो कोई नहीं होता ना जब एंगर में हो तो. सो पीपल आर डूइंग दैट, तो वो बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें जो हैं डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ द बॉडी ऑल्सो, ठीक है. कुछ एरियाज ऑफ द बॉडी में डिफरेंट शेप आएगी, कुछ में डिफरेंट आएगी. इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द टिश्यूज है, लाइन ऑफ द लैंगर्स हैं, ठीक है. तो विक्टिम इज नॉट अ फिक्स ऑब्जेक्ट, वो हिल जुल रहा है, वो यहाँ मूव कर रहा है, तो उसकी वजह से भी एग्जैक्ट पैटर्न जो है वो समटाइम नहीं आएगा. शेप ऑफ द एंट्री वाउंड नॉट कॉरिस्पॉन्डिंग, ये वही बात आ जाती है. ट्विस्टेड जैसे मैंने भी बताया, तो उसमें भी चेंज हो जाएगी, ये सारी वही बातें हैं. रेपिटिशन भी वही बात आ गई. वाउंड्स ऑफ इंटरनल विस्ट्रा नॉर्मली कॉरिस्पॉन्ड करते हैं टाइप ऑफ द पेनिट्रेटिंग ऑब्जेक्ट जिसको यूज किया है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम. बट देयर शेप इज मैनी केसेज मॉडिफाइड बाय द मस्कुलर एंड इलास्टिक फाइबर्स, ठीक है. अब फॉर एग्जाम्पल अगर ऊपर से हार्ट है, उसके ऊपर जो इंजरी है नॉर्मली ऑलमोस्ट वो उसी तरह आती है जैसे वो यहाँ पर नजर आ रही है. बट इन केस ऑफ लिवर और इंटेस्टाइन और समथिंग लाइक, जो बाहर आपको स्टैब नजर आ रहा है इंटरनली, बिकॉज कि वो पूरा का पूरा आपको पता है टिश्यू ही डिफरेंट है, पूरा ऑर्गन ही डिफरेंट है, तो उसके अंदर वो इंजरी का पैटर्न डिफरेंट आएगा फ्रॉम द इंजरी जो आपको बाहर से नजर आ रही है एंट्री के ऊपर. तो इंडिकेट जनरल फीचर्स आपको पता हो, इंस्ट्रूमेंट का पता हो, लेकिन आपको अपनी यही, दैट इज अ मेन डिफरेंस बिटवीन यू एंड अ लेमैन, ठीक है, या ए लॉयर और ए जज, कि वो एक लिमिटेड चीज के हिसाब से देखेंगे. बिकॉज पारिक वो भी पढ़ते हैं, एज आई टोल्ड यू, उनकी भी कोर्ट रूम की बुक है. बट आपकी एनाटॉमी, आपकी फिजियोलॉजी, आपकी ये सब चीजें आपको स्टैंड आउट कराती हैं कि नहीं भाई वेरिएशन आर देयर, ठीक है, और थिंग्स आर एक्सटर्नली इंटरनली डिफरेंट हैं. वो हर चीज़ जो है वो बिल्कुल टेक्स्ट बुक पैटर्न फॉलो नहीं करती, ये चीज़ डिफरेंट होगी, वो आपने उनको बताना है बींग अ स्पेशलिस्ट. अब इसी तरह जब हमने देखना होता है तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्टर कि आपने बाहर से जो चीज़ की वो इंटरनली कैसे आई. अब एक ऐसी जगह जहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ पे मसल्स हैं, जहाँ पे फैट्स इतना नहीं है, इलास्टिन नहीं है या है, ठीक है, उनकी बेस के ऊपर यू आर गोइंग टू डिफ्रेंशिएट इंटरनली लाइक पंक्चर्ड इंसाइज हो रहे हैं, कहीं बाहर से पंक्चर्ड है, अंदर से क्या है इंसाइज हो रहा है. समवेयर अंदर से ऑब्वियसली चीज़ ऐसी इंटेस्टाइन में जैसे मोस्ट प्रॉबेबली पंक्चर्ड लैसरेशंस हो रही होती हैं, ठीक है, देन पंक्चर्ड, देन पेनिट्रेटिंग इंसाइज, तो वो एक एग्जैक्ट चीज़ नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट आपको मिला के बनानी पड़ती है. दैट इज ओनली पॉसिबल फॉर द ऑटोप्सी, के ऑटोप्सी जब आप कर रहे होते हो उसमें आपको ज़्यादातर ये डिटेल्स मिलती हैं. सिमिलरली सर्जरी जब हो रही होती है इन अ लिविंग पर्सन, इन दैट सर्जरी मोस्ट ऑफ द टाइम द सर्जन गिव यू एन आइडिया कि जी इंटरनली ये कंडीशन थी, एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच आप अपनी इंजरी को डिक्लेयर करते हो कि भाई बाहर से ये थी लेकिन इंटरनली ये इंजरी ऐसे हो रही है. तो डबल फ्लिक्ट इंजरीज होती हैं, एंड वेरी सैडली हमारी जो किसास एंड डेथ ऑर्डिनेंस है उसमें चीज़ों को बहुत सुपरफिशियल देखा गया है. तो उसके अंदर जो पनिशमेंट्स होती हैं, जो डेक्लेरेशंस होती हैं, वो अकॉर्डिंग टू हमारी प्रॉपर मेडिसिन नहीं है. तो वो बस एक सुपरफिशियल, उन्होंने इसको ये कैटेगरी दे दो. जैसे जितनी भी कैविटीज़ हैं उन सब की इंजरीज को हम कहते हैं जुर्जाइफा, ठीक है.
बस अब वो जो जायफा है, चाहे किसी ने हल्का सा जायफा किया है, लाइक इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आया, किसी को बहुत ज़्यादा भी आया, तो वो इंजरी पनिशमेंट इतना नहीं है। अगर वो बंदा हॉस्पिटलाइज मोर देन 20 डेज हो जाता है, फिर तो ठीक है, फिर उसमें लीथल की तरफ चली जाती है चीज़। बट इफ़ इंजरी इज स्लाइट और इंजरी इज स्लाइटली मोर, उसमें कोई इतनी डिफ्रेंशिएशन नहीं है इन केस ऑफ एब्डोमेन और चेस्ट कैविटी। ठीक है, ये अब डिफरेंट तरीके के आपके पास नज़र आते हैं।